तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सरसाइज 3.11 कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896। आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी दी है यानी कप्पा 7.896 इंटू 10^-5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम आपको कैलकुलेट करना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिड आपको दिया है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी आपको निकालना है के। देखो तो मैंने अभी आपको पहले यहाँ पे ऊपर समझाया सेम एग्जांपल के इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर इनटू सी अपॉन 1 - अल्फा। कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है देखो 0.00241 मोलर। तो पहली चीज आप अल्फा निकालो। अल्फा के लिए आपको लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम चाहिए। लैम्डा एम आपके पास नहीं है, लैम्डा एम नॉट आपको गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी राइट। तो लैम्डा एम पहले आप निकाल लीजिए। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कप्पा यानी कंडक्टिविटी गिवन है 1000 को मैंने 10^3 बना दिया। कंसंट्रेशन भी गिवन है बोलो आंसर 32.76 इंटू 10^-2 राइट। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे काट दिया तो ये हो गया 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आप ये फॉर्मूला में डाल दो अपॉन लैम्डा एम नॉट 0.084 आगे कुछ आ रहा है ओके 84 राउंड ऑफ ले लिया है बस। तो ये अल्फा यहाँ पे डाल दो और कैलकुलेट कर लो आंसर 0.084 स्क्वायर इनटू सी अपॉन 1 - अल्फा। के निकाल लो जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एट। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10^-5 लिख लो इनको भी